कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा बेहद ज़्यादा टेंशन में चल रही है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को किसी भी तरीका से चीकू को सेव करना है, और सेव करने के लिए उसके पास में बेहद अलग अलग तरीका के रास्ते देखे जा रहे हैं। हालांकि बात की जाए चीकू की, तो चीकू ना जाने क्यों मीत हुड्डा को अपनी माँ का ही दर्जा देता है, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा होती है, उसे ना जाने क्यों पहले से ही आभास हो चुका है कि हाँ ये मेरी माँ ही है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहीं ना कहीं सभी लोग बेहद ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार इस कहानी का अब अंत क्या हो सकता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बात की जाए इस समय की, तो जहाँ पर मनमीत बोलता हुआ नजर आएगा कि मीत मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ था साथ रहूँगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बात की जाए इस समय की मनमीत की, तो मनमीत ने साफ साफ अपने बापू सरकार से भी बोल रहा है किसी भी तरीका से मीत हुड्डा को टॉर्चर करने की प्लान मत बनाना, क्योंकि मैं मीत हुड्डा के साथ हूँ। क्योंकि सरकार का तो यही प्लान है कि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा को सौंप देना और वा को उसके बेटे से अलग करना, यानी कि चीकू से। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया ट्विस्ट लेकर आ रही है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सरकार को इधर मीत हुड्डा भी वार्निंग देगी, क्योंकि मीत हुड्डा साफ साफ बोलती हुई नजर आने वाली है, ये मत सोचना कि मैं अकेली हूँ, ना मैं कभी हारी थी और ना मैं कभी हारूंगी, क्योंकि जो तुमने सोचा है वो तो होने वाला है ही नहीं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाकई में दोस्तों इस समय कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, लव यू गाइस।